देर से मृत्युंजय कुमार के रिपोर्ट सच देख रहा है बिहार। हम पहुंचे हुए हैं क्लेर प्रखंड के पहलेजम पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी मुनिका सिंह के पास। हम जानेंगे चुनावी मुद्दा के बारे में। सच देख रहा है बिहार का मैं स्वागत करता हूं। मैं पहलेजम पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हूं। अगले बार भी मैं इस पंचायत से चुनाव लड़ा हूं, जो मुझे जीत हासिल नहीं हुई है, और इस बार जनता हमें विश्वास करके फिर से चुनाव में हमें उतारना चाहती है। मैं इस कोरोना काल में सभी गरीब जनता को घर घर जाकर के सहयोग किया हूं। सबको मैं कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी मैं गरीब परिवारों को राशन मुहैया कराया हूं, एवं जो भी गरीब बच्ची का शादी वगैरह उसमें भी मैं सहयोग किया हूं। मैं सामाजिक में हमेशा सबों का सहयोग करता हूं। किसान का भी मैं हमेशा, पानी का मुद्दा हो चाहे जिस तरह का मुद्दा हो, गरीब मजदूर हो या लाचार बेवस हो, जो सबों का मैं सहयोग करता हूं। और मैं इस पंचायत वासियों को जिस तरह के परेशानी रहती है मैं सबों का निवारण करता हूं। वृद्ध आदमी को जो भी वृद्धा पेंशन चाहे जो भी ब्लॉक का जिस तरह का मुझे सहयोग मिल सके मैं हमेशा करते रहता हूं। मैं कोरोना काल में जिन परिवारों को मृत्यु हो गया उनको भी मैं घर घर जा कर के राशन दिया, सहयोग किया, पीड़ित परिवार को सांत्वना दिलाया। और मैं जब मैं जीतूंगा तो सभी को मैंने घर घर शिक्षा के अपील करता हूं, शिक्षा पर विशेष जोर दूंगा, और जो भी बेरोजगार हैं उनको मनरेगा के तहत मैं उनको काम दिलाऊंगा। मैं किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को भी समुचित व्यवस्था करूंगा। जो गली नाली का मसला 5 साल में बहुत पीछे चला गया है, मैं उसको हमेशा आगे कर करके हर घर में, हर घर गली नली का मैं व्यवस्था करूंगा कि अच्छे से सुविधा पक्की हो जाए और सभी लोग बेरोजगार ना रहें। मनरेगा के तहत मैं हमेशा काम दूंगा। मैं 1 साल में कोरोना के 2 लहर में मैं घर घर जाकर मास्क, सैनिटाइजर, राशन, साबुन का वितरण किया और सभी से 2 गज दूरी बना करके रहने के लिए अपील किया, और सभी लोग से इस कोरोना काल में मिलते जुलते रहे और सभी को आपस में दूरी बनाकर रहने के लिए अपील किया।